नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार का तुसार ही बनेगा आईएएस। बिहार में 4026 निजी स्कूलों को मिला नोटिस। बाढ़ से बचाव के लिए 1,000 करोड़ से अधिक राशि होगी खर्च। कृषि स्कीम को लेकर मंत्री कुमार सरजीत ने की बड़ी घोषणा। शुभमन गिल को लेकर सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार का तुसार ही बनेगा आईएएस। यूपीएससी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके परिणाम में 44वें रैंक पर एक नाम के अभ्यर्थी को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बता दें कि अब इसी मामले को लेकर कैमूर जिला के मोहनिया अनुमंडल में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित सब बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले तुषार कुमार को एक ओर जहां सभी के द्वारा बधाई दी जा रही, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले तुषार कुमार के द्वारा एक बड़ा दावा ठोका गया है। उनका कहना है कि 44वें रैंक पर जिस तुषार का नाम है वह बिहार के भागलपुर वाले तुषार का नहीं बल्कि उनका है। हालांकि इस मामले को लेकर यूपीएससी की ओर से सब कुछ साफ कर दिया गया है। बता दें कि यूपीएससी के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि बिहार के भागलपुर का तुषार ही सफल हुआ है। हरियाणा के तुषार के द्वारा फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर गलत दावा किया जा रहा था, वह प्री में ही बाहर हो चुके थे। पटना और गया से आनंद विहार के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेल प्रशासन के द्वारा रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए और रेल यात्रियों के हित को देखते हुए रेलवे द्वारा पटना एवं गया से आनंद विहार के लिए 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिन 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है उनमें पटना आनंद विहार पटना सुपर फास्ट समर स्पेशल गाड़ी संख्या 03255 03256, पटना आनंद विहार पटना सुपर फास्ट समर स्पेशल गाड़ी संख्या 02391 02392 और गया आनंद विहार गया सुपर फास्ट समर स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 03635 03636 शामिल है। बाढ़ से बचाव के लिए 1,000 करोड़ से अधिक राशि होगी खर्च। बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है, ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा इस बार बाढ़ से निपटने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसको लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार की ओर से बाढ़ अवधि के दौरान सलुईस गेट की मरम्मत, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सामग्री रखने, सैटेलाइट इमेज क्रय करने और अन्य कार्यों के लिए 220 करोड़ की राशि रखी गई है। वहीं कमला बलान के बाया तटबंध और दाया तटबंध का उच्चीकरण और पक्कीकरण का कार्य अभी हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है और इस पर लगभग 300 करोड़ की राशि खर्च होने वाली है। इसका पूरा होने से एक बड़े हिस्से को राहत मिलेगी। इसके अलावा नेपाल भूभाग में सरकार 70 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करेगी। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। 25 मई को बिहार में हुए पंचायत उपचुनाव का रिजल्ट आज यानी कि 27 मई को जारी होने वाला है। बता दें कि इसके लिए गिनती की जा रही है। मालूम हो कि खबर लिखे जाने तक कुछ सीटों पर के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए थे, जिसमें गोपालगंज की 2 सीट शामिल है। बता दें कि धरतीवाना पंचायत में मुखिया पद पर 425 वोटों के अंतर से ब्रह्मदेव ने जीत दर्ज की, तो वहीं फुलुगनी पंचायत में मोहम्मद सरवर उर्फ सद्दाम विजयी मुखिया पद पर विजयी हुए। वहीं मसौरी प्रखंड के तिनेरी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में पंच परमेश्वर पद के रूप में रेणु देवी विजय घोषित हुई। बिहार के 300 प्रखंडों की 593 पंचायतों में 605 पदों के लिए मुखिया, पंचायत सदस्य व पंच के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि पंचायत उपचुनाव के लिए कुल 44.85% लोगों के द्वारा मतदान दिया गया था। निफ्ट पटना में स्नातक कार्यक्रम का होगा आयोजन। कल यानी कि 28 मई को निफ्ट पटना में स्नातक बैच के द्वारा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 अलग अलग बैचों से 216 छात्र भाग ले रहे हैं जो निफ्ट पटना से स्नातक कर रहे हैं। बता दें कि कल इस कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत सुबह 11 बजे से FMS के ग्रेजुएशन प्रोग्राम द बॉटम लाइन के साथ होगी। मालूम हो कि इस दौरान छात्रों के द्वारा खुद से बनाए गए फैशन, कम्युनिकेशन, एक्सेसरीज व टेक्सटाइल कलेक्शन जैसे गतिविधियों को प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में उद्योग जगत से साहिन जमील, उर्वशी गुप्ता, ऋषि कुमार और रमेश पांडे अपनी उपस्थिति दर्ज कर अपने औद्योगिक अनुभवों के साथ स्नातक बैच को प्रेरित करेंगे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा।
छापेमारी में कफ सिरप के साथ कैश बरामद। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी आए दिन हमें इससे जुड़े खबर सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के कटिहार का है, जहां कटिहार एसपी के विशेष निर्देश पर सहायक थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शरीफगंज मोहल्ले के एक घर से 500 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप और कफ सिरप की बिक्री से आए कुल 2,97,000 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस के अनुसार यह कारोबार शरीफगंज में रहने वाले दो भाई लाल खान और इम्तियाज के द्वारा किया जा रहा था। मालूम हो कि इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा दो महिला को अपनी गिरफ्त में लिया गया है, वहीं दोनों भाई अभी फरार चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा उनकी तलाशी की जा रही है। बिहार में 4,026 निजी स्कूलों को मिला नोटिस। बिहार के 4,026 निजी स्कूलों के बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी यूडायस रिपोर्ट को दर्ज नहीं किए जाने के कारण मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि यूडायस 2022-23 में बच्चों के आंकड़ों की जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों के यूडायस कोड को रद्द करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यूडायस भरने का आदेश दिसंबर 2022 में ही दिया गया था। साथ ही सीबीएसई ने भी सभी स्कूलों को इसे जल्द से जल्द भरने को कहा था, जिसके लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर भी पहली बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मिड डे मील में साफ मिले खाना को 150 से अधिक बच्चों ने खाया। बिहार के अररिया जिले के जोगबनी नगर परिषद के अमौना माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील में सांप पाया गया, जिसे 150 से अधिक बच्चों के द्वारा खाया जा चुका है। वहीं जब इस बात की खबर बच्चों के परिजनों को मिली तो सैकड़ों की संख्या में वे सभी स्कूल पहुंच गए और आनंद फानंद में बच्चों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल फारबिसगंज में भर्ती कराया गया। बता दें इस घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे के करीब एनजीओ की ओर से पका हुआ खाना विद्यालय लाया गया था, जिसे 150 से अधिक बच्चों के द्वारा खाया गया। लेकिन जैसे ही अन्य बच्चों को खाना देने के लिए बर्तन निकाला गया तो उसी क्रम में खाने में मरा हुआ सांप पाया गया। वहीं इस बात की सूचना मिलने पर फारबिसगंज एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला और डीएसपी खुसरू सिराज भी विद्यालय पहुंचे और भीड़ को स्कूल परिसर से बाहर किया। फिलहाल बच्चों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। एसडीओ खुद अस्पताल में बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मी का फोन पर बात करना पड़ा भारी। उद्योग विभाग में तैनात ग्रुप डी के कर्मी रवि कुमार के ऑफिस टाइम में फोन पर बात करना महंगा पड़ गया। दरअसल उद्योग विभाग के सचिव संदीप पौंड्री के द्वारा रवि कुमार को इस गलती को लेकर नाराजगी इतनी दिखाई कि कर्मी को पटना से सीधे बिहार के सीमा पर किशनगंज भेज दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रवि कुमार उद्योग निदेशालय पटना में परिचारी के पद पर तैनात है। मेरी जानकारी के अनुसार रवि कुमार फोन पर बात करते हुए कार्यालय की सीढ़ियों से उतर रहे थे। इस दौरान विभाग के सचिव संदीप पौंड्रिक वहां से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें देखने के बावजूद भी रवि कुमार के द्वारा फोन नहीं काटा गया। इस गुस्ताखी के लिए उन्हें कृत बिहार आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन को लेकर बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कृषि स्कीम को लेकर मंत्री कुमार सर्वजीत ने की बड़ी घोषणा। बीते दिन बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब कृषि विभाग की योजनाओं में कम से कम 50% की हिस्सेदारी पिछड़ा अति पिछड़ा और एससी वर्ग के छोटे किसानों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं नई नियमावली के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू होने के बाद से संबंधित एजेंसी को 3 से 5 साल का मेंटेनेंस कार्य करना अनिवार्य होगा। वहीं अब सूक्ष्म सिंचाई योजना में पाइप बिछाने से पहले बोरिंग की योजना दी जाएगी और स्प्रिंकलर आदि की मरम्मत तिथि भी पोर्टल पर दिखेगी। इसके अलावा संबंधित एजेंसी या कंपनी की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। वहीं अब एजेंसियों की समय समय पर जाँच होगी और गड़बड़ी करने वाले एजेंसियों को काली सूची में डाली जाएगी। नए संसद भवन पर नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर तंज। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ आवश्यकता थी तो पुराने भवन को ही और विकसित कर देनी चाहिए थी। मोदी सरकार सब कुछ बदल देना चाहती है, वह पूरा इतिहास बदलने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेने को लेकर कहा कि पटना में कार्यक्रम होने की वजह से वह बैठक में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन अगर वो जाते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग करते। जेडीयू ने 13 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का किया ऐलान। बीते दिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पत्र जारी कर 13 प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है। बता दें कि जारी किए गए पत्र के अनुसार युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नीतीश पटेल को चुना गया, तो वहीं छात्र जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आनंद मोहन को दी गई है। वहीं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्वेता विश्वास और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्रवंशी को बनाया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के रूप में संतोष कुमार निराला, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रूप में मोहम्मद सलीम परवेज, किसान सहकारिता प्रकोष्ठ के रूप में मनोज कुमार
कुमार शिक्षा एवं मीडिया प्रकोष्ठ के रूप में, डॉक्टर अमरदीप श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के रूप में, रामचरित्र प्रसाद चिकित्सा प्रकोष्ठ के रूप में, डॉक्टर एल बी सिंह व्यावसायिक उद्योग के प्रकोष्ठ के रूप में, धनजी प्रसाद अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ के रूप में, वीरेंद्र गोंड और कला संस्कृति एवं खेल प्रकोष्ठ के रूप में कुमार विहाय सिंह को चयनित किया गया है। सीएम नीतीश पर आरएलजेपी ने साधा निशाना। आज दिल्ली में आयोजित हुए नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाग नहीं लेने को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह के द्वारा सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि पीएम का विरोध करना एक राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन विकास कार्य के लिए जो नीति पूरे देश में बनाई जाती है उसका विरोध कर कहीं न कहीं नीतीश कुमार बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए केंद्र सरकार की जो योजना आती है मुख्यमंत्री उसे नकार देते हैं, केंद्र सरकार जो काम यहां करवाना चाहती है उसका वो विरोध करते हैं, केंद्र की योजना को ठीक ढंग से लागू भी नहीं होने देते हैं। अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए कितने एक्टिव हैं। सुमन गिल को लेकर सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बार। बीते दिन आईपीएल 2023 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम के सुमन गिल के द्वारा मुंबई इंडियंस के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों पर 129 रन बनाए गए, जिसकी मदद से गुजरात की टीम का स्कोर 233 रन तक पहुंचा। बता दें कि सुमन गिल ने इस दौरान 7 चौके और 10 छक्के जड़े। मालूम हो कि बीते दिन सुमन गिल के बल्लेबाजी से फैंस में काफी खुशी देखने को मिली। वहीं अब उनके नाम पर कई मीम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें उनके शतकीय पारी की तारीफ की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच में गुजरात के द्वारा मुंबई को हराते हुए आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुका है, जहां उनका मुकाबला कल यानी कि 28 मई को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाली है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, अमित कुमार, कुमारी संजना, आदित्य कुमार, मुटु रंगीला, रंजीत मिश्रा, नुनु गोलू कुमार, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, पीके पासवान, सुरुचि कुमारी, पवन सिंह, अनवर करीम खान, अहमद मोहम्मद, सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।